महासमुंद पुलिस ने नशे के नेटवर्क का बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने रायपुर लोकायुक्त के एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 1,46,00,000 रुपए की ब्राउन शुगर बरामद हुई। साथ ही गिरोह का पाकिस्तानी कनेक्शन भी सामने आया। पुलिस का दावा है कि आरोपी से पूछताछ करने पर पूरी तरह से नशे के बड़े कारोबार का खुलासा हो पाएगा। कैसे पकड़ाया है ब्राउन शुगर का इतना बड़ा कंसाइनमेंट, देखिए रिपोर्ट। नशे के नेटवर्क पर पड़ी रेड, 1.5 करोड़ की ब्राउन शुगर बरामद। रायपुर लोकायुक्त का कर्मचारी गिरफ्तार, आरोपी से पूछताछ होगा बड़ा खुलासा। महासमुंद में ब्राउन शुगर के बड़े कारोबार के खुलासे के तार पाकिस्तान से भी जुड़ रहे हैं। तहकीकात में जुटी पुलिस को ऐसे इनपुट मिले हैं जो कि इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं, जिसने पूरे छत्तीसगढ़ पुलिस के कान खड़े कर दिए हैं। यही वजह है कि महासमुंद से रायपुर तक आला अधिकारी इसकी तफ्तीश में जुट गए हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला है, इसमें लगातार ऐसे सूचना मिल रही थी कि यहाँ पे यहाँ से ब्राउन शुगर की खेप उड़ीसा की ओर जाती है। इस पर से हम लोगों की जो साइबर टीम है वो लगी हुई थी। इसी बीच में कल जरिए मुखबिर सूचना मिली थी कि रायपुर से एक व्यक्ति ब्राउन शुगर की खेप लेके उड़ीसा साइड जाएगा। इस पर से हम लोगों ने 2-3 जगह चेकिंग पॉइंट लगाया था, उसमें साइबर टीम और कोतवाली पुलिस की टीम भी साथ में थी। दरअसल जब महासमुंद पुलिस ने बीती 12 अगस्त को नदी मोड़ के रास्ते महासमुंद आ रही एक मोपेड की तलाश की, तो उसमें करीब 1.5 करोड़ रुपए की ब्राउन शुगर मिली थी। जबकि आरोपी शंकरलाल वैष्णव रायपुर लोकायुक्त का कर्मचारी निकला, जिसके पास ऑटोमेटिक पिस्टल भी रखी हुई थी। पुलिस ने जब केस दर्ज करके जांच शुरू की तो इसके धीरे धीरे तार सात समुद्र पार बैठे नशे के सौदागरों से भी जुड़ने लगे। यही वजह है कि अब ये जांच पुलिस के लिए एक चैलेंज की तरह हो गई है, जिसके आखिरी सिरे तक पहुंचने के लिए पुलिस एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। और इसमें एक सोल्ड मेस्ट्रो एक स्कूटी आई रायपुर के डायरेक्शन से, उसको रोक के पूछताछ किया गया तो थोड़ा गोलमोल जवाब देने लगा। उसके जब चेक किया गया तो उसके पास एक 7.6 mm का एक देसी पिस्टल मिला और 2 कारतूस और 2 मैगजीन मिला। और जब उसकी वाहन की चेकिंग की गई तो उसमें नशीली पदार्थ जैसा कुछ चीज मिला। उसके चेक करने पर पाए गए कि वो नशीली वस्तु ब्राउन शुगर है, जिसका कि तौल कराया गया। तौल कराने पे उसमें 730 ग्राम ब्राउन शुगर का होना पाया गया, जिसका अंतर्राष्ट्रीय मूल्य 1,46,00,000 है। और इसमें शंकर वैष्णव पिता जोधाराम वैष्णव मूलतः ये राजस्थान जोधपुर जिला के हैं, उनकी गिरफ्तारी की गई। दरअसल तफ्तीश के दौरान पुलिस को अहम इनपुट मिले हैं जो कि इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि इसका कोई पाकिस्तानी कनेक्शन भी हो सकता है। दरअसल ब्राउन शुगर की तस्करी में पुलिस ने जिस शख्स को गिरफ्तार किया वह मूलतः राजस्थान के जोधपुर का रहने वाला है। ब्राउन शुगर की डिलीवरी जैसलमेर के व्यक्ति के जरिए की जाती है, ऐसे में इस बात की संभावना बढ़ गई है कि सीमा पार से कहीं इसका कोई लिंक तो नहीं। पुलिस ने अब इस पूरे मामले की जांच की दिशा बदल दी है। और निश्चित ही ये छत्तीसगढ़ के इतिहास में अब तक की ब्राउन शुगर को लेकर सबसे बड़ी कार्रवाई है। इसमें थाना कोतवाली में NDPS एक्ट की धारा 21 और 22 के तहत कार्रवाई की जा रही है। साथ में चूंकि इसमें आर्म्स भी मिला, उसमें 25-27 आर्म्स एक्ट भी लगाई गई है। और इसमें पूछताछ की जा रही है, इसमें कुछ उड़ीसा का लिंक और कुछ राजस्थान का लिंक मिला है। जैसलमेर पाकिस्तान बॉर्डर का, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं और हम इसमें जल्द से जल्द और हम इनके तह तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। इस केस की जांच को लेकर छत्तीसगढ़ पुलिस के मुखिया यानी कि DGP ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए रायपुर रेंज के IG आनंद छावड़ा को विशेष टीम गठित करके उच्च स्तरीय जांच कराए जाने का जिम्मा सौंपा है, जिसके तहत छावड़ा के निर्देश में यह जांच महासमुंद SP प्रफुल्ल ठाकुर कर रहे हैं। साथ ही पुलिस जांच का दायरा बढ़ाते हुए राजस्थान तक पड़ताल करने की तैयारी भी शुरू हो गई है। इसके लिए जरूरी समन्वय भी स्थापित किए जाएंगे, जिससे तह तक जाकर नेटवर्क की आखिरी कड़ी को दबोचा जा सके। हवालात के लिए स्वराज एक्सप्रेस की रिपोर्ट।